परसों रात्रि से ही कानपुर जनपद के सभी अधिकारी और 40 थानों की फोर्स लगातार इस अपराधी के और इस अपराधी के जो साथी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए लगी हुई है। और इस दौरान जो है दो दुर्दांत अपराधी जो उसके गैंग के सक्रिय सदस्य थे और पुलिस कर्मियों पर हमला करने में उनकी प्रमुख भूमिका थी, उनको मारा जा चुका है। अन्य जो साथी ये हैं और जो ये प्रमुख अपराधी है इन पर इनाम घोषित किया गया है। विकास दुबे के ऊपर इनाम घोषित हुआ है, अन्य गैंग के सदस्यों पर भी इनाम घोषित किया जा रहा है। इसके अलावा थानाध्यक्ष चौबेपुर जिनके क्षेत्र में यह घटना घटित हुई उनको प्रथम दृष्टया उनकी लापरवाही को देखते हुए उनको निलंबित किया जा चुका है। हमारी टीमें लगातार दबिशें डाल रही हैं, लोगों से पूछताछ कर रही हैं जिससे इसके छिपे होने के अड्डों के बारे में जानकारी मिले और उम्मीद है कि अति शीघ्र ये अपराधी और इसके जितने भी साथी हैं वो कानून के शिकंजे के भीतर होंगे। कल जब हम लोग इसके गांव में गए थे तो गांव के लोगों में इसके प्रति काफ़ी आक्रोश था और उनका कहना था कि इसने गरीब लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करके मकान को बनाया था और इस मकान में बहुत सारी आपराधिक गतिविधियों को ये अंजाम देता था। यहाँ पर अपराधियों को छिपाना, उनको शरण देना, शस्त्रों का भंडारण करना, इस तरह की गतिविधियाँ इस मकान के जरिए होती थी। तो ये आक्रोश इतना ज़्यादा था कि कल भी जनता के लोग इस पर इसके बुजुर्ग पिता पर हमला करना चाहते थे लेकिन काफ़ी पुलिस बल वहाँ पर मौजूद था इसलिए कोई अप्रिय घटना वहाँ पर नहीं हुई। पुलिस जितने भी इसने अवैध रूप से संपत्तियाँ अर्जित की है उसको कानूनी प्रक्रिया के तहत गैंगस्टर एक्ट लगा करके गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत सारी संपत्तियों को सीज करेगी। इसके जो बैंक अकाउंट्स हैं उसमें जो पैसा है उसको भी सीज किया जाएगा।